Hi, welcome to Best JS tutorial. Subscribe my channel. Today's topic is about how to make a layout for study area map. Those people who can't understand my language, please follow me step by step. Now I am going to switch my language. So दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह स्टडी एरिया के लिए लेआउट तैयार करेंगे. इससे पहले वीडियो में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल का आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. ये एक स्टडी एरिया मैप है, ये लेआउट व्यू में है. हमने क्या करना है, अब इसको लेबल करना है. सबसे पहले जाके टेबल ऑफ कॉन्टेंट में इसकी कलर को चेंज करना है. इस पर राइट क्लिक करें, कलर रैम चेंज करें, ये देखें, इसको ओके कर दें, इसकी कलर चेंज हो गई. अब हमने कुछ स्टेप्स करने हैं. पहले स्टेप में हमने नॉर्थ एरो को ऐड करना है. इंसर्ट पे जाके नॉर्थ एरो को सेलेक्ट करें, इसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करें. ये देखिए, ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दें. अब इसमें नॉर्थ एरो जो है इसमें ऐड हो जाएगा. ये देखिए, ऐड हो गया. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसमें स्केल बार ऐड करना है. इसको साइड पर कर लें थोड़ा सा. जो हो गया, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, स्केल बार ऐड करना है. दोबारा इंसर्ट पे जाना है, स्केल बार को ऐड करना है. अब इनमें से एक स्केल बार को सेलेक्ट करना है. स्केल बार इन किलोमीटर्स कहाँ पे है, ये देखें, इसको ऐड करना है. इसकी साइज़ थोड़ी इंक्रीज कर लें, इसको नीचे कर लें. अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, लेजेंड्स को ऐड करने हैं. इसको थोड़ा मोटा कर दें और नीचे कर लें. हम दोबारा जाना है इंसर्ट डेटा पे. इंसर्ट डेटा पे हमने लेजेंड्स ऐड करने हैं. देखिए लेजेंड्स, इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं, नेक्स्ट कर लें, नेक्स्ट कर लें. ओके, ये लेजेंड्स भी ऐड हो गए. इसको एडिटेबल मोड में कर लें, इस पर क्लिक करें. ये देखिए, एडिटेबल मोड में हो गया. अब इसको साइड पे कर लें. अब हमने जाके ग्रेड्स में जाके हमने ग्रेड्स ऐड करने हैं. इस मैप पे राइट क्लिक करें, लेआउट में राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ पे जाएं और न्यू ग्रेड्स पे क्लिक करें. अब नेक्स्ट करें, इसमें से मिनट्स को हटाए ज़ीरो कर लें और सिर्फ डिग्री को वन कर लें. मिनट सेकंड ऐड नहीं करने, सिर्फ डिग्री में करना है. ज़ीरो कर लें. ऑनली लेबल्स पे क्लिक करें. थोड़ा बैक जाए, दोबारा कर लें. इसको लेबल्स पे क्लिक करें, ऑनली लेबल्स कर लें. इसको ज़ीरो कर लें और मिनट्स डिग्री को वन कर लें. नेक्स्ट पे जाएं. ए माइनर डिवीजन का टिकट है, इसको अनचेक करना है. नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाना है. प्रॉपर्टीज़ में हमने इसकी थोड़ी साइज़ इंक्रीज करनी है. जो लेबल्स हो रही है इसकी साइज़ थोड़ी इंक्रीज कर लें, 12 कर दें, उसको बोल्ड भी कर लें, ओके कर लें. इसको थोड़ा अप्लाई कर लें इस पर. अब इसको थोड़ा साइड भी कर लें ताकि देख सके. ये देखिए, ग्रेड्स ऐड हो गए. ये 71 डिग्री और 33 डिग्री. अब हमने क्या करना है, इसको वर्टिकल करना है. ये जो लेटिट्यूड है इसको वर्टिकल करना है. दोबारा प्रॉपर्टीज़ पे जाना है. यहाँ लेफ्ट क्लिक को चेक करें और राइट साइड और लेफ्ट साइड को टिक मार्क ऐड करें, इस पर अप्लाई करें. ये देखिए, अब ये वर्टिकल हो गए. पहले ये हॉरिजॉन्टल थे, ये देखिए अब ये वर्टिकल हो गए. अब हमने क्या करना है, इसको सेव करना है, टेक्स्ट ऐड करना है, टाइटल ऐड करना है. पहले हम टाइटल ऐड करते हैं, उसके बाद सेव करते हैं. टाइटल में क्या लिखना है, करक डिस्ट्रिक्ट. ये डिस्ट्रिक्ट करक का मैप है, इस वजह से हमने टाइटल में क्या लिखा, डिस्ट्रिक्ट करक डिस्ट्रिक्ट. इसको ओके कर लें.
टाइटल भी ऐड हो गया। अब हमने क्या करना है, सेव करना है। कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप में सेव करना है, कहाँ पे सेव करना चाहते हैं आप सेव कर सकते हैं। MX डी फॉर्मेट में फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सेव कर लें। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।